अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश लैंग्वेज ब्लॉक #66। #66 में आपके पास है पेज नंबर 153 एंड पेज नंबर 154 के। क्लास वर्क है आपका 153 एंड होमवर्क इज 154। ओपन पेज नंबर 153। इट इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक। पेज नंबर ओपन करें 153। ओके, इट इज़ योर पेज नंबर 153। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, आपको क्या करना है, पिक्चर्स की डिस्क्रिप्शन करनी। ओके, यहाँ पे डे मेंशन करेंगे, मंडे। अच्छा, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अबाउट सेंटेंस लिखने हैं ईच पिक्चर, मतलब सारे पिक्चर्स के आपको आंसर करना, आंसर द क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट है, राइट अ सेंटेंस अबाउट द पिक्चर वन। कह रहे हैं कि सेंटेंस लिखना है पिक्चर वन के लिए। ओके, क्या है पिक्चर वन में? कैट है, कहाँ पर है कैट? इन द बास्केट, द कैट इज इन द बास्केट। सेंटेंस लिखेंगे, द कैट इज इन द बास्केट। नंबर टू है, राइट नाउंस इन द पिक्चर्स। कह रहे हैं कि नाउंस लिखने हैं। नाउन क्या क्या हैं? कैट भी नाउन है, बास्केट भी नाउन है, टेबल भी और ट्री भी। आपको ये सारे नाउन यहाँ पर लिखने हैं। के सबसे फर्स्ट लिखेंगे कैट, बास्केट, टेबल एंड ट्री। के अब क्या है, राइट वर्ब इन पिक्चर टू। पिक्चर टू में वर्ब लिखना है। वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन के करने को। अब कैट क्या एक्शन करेगी? कैट ने क्या एक्शन किया हुआ है? कैट बैठी हुई है, ठीक है। कैट यहाँ पर टेबल के ऊपर बैठी है ना, तो क्या है? सिटिंग। क्या लिखेंगे? द कैट। राइट वर्ब से वर्ब लिखना है आपको, सिटिंग। के क्योंकि कैट बैठी हुई है। नंबर फोर, वेयर इज़ द कैट इन पिक्चर फोर। पिक्चर फोर में कैट कहाँ है? बिहाइंड द ट्री, द कैट इज बिहाइंड द ट्री। ओके, कैन यू राइट द नाउंस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कह रहे हैं कि ये नाउंस जो आपने लिखे हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब ए से स्टार्ट करना है। ए से कोई वर्ड है? नो। सबसे फर्स्ट क्या है? बी, बास्केट। नंबर टू है कैट, फिर टेबल एंड देन ट्री। हम ट्री भी पहले लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टी के बाद फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, लेकिन यहाँ पर टी के बाद आर है। ओके, इसलिए हमने टेबल पहले लिखा और ट्री बाद में। हाउ मैनी कैट्स आर देयर? यहाँ पर कितने कैट्स थे? देयर आर फोर कैट्स। कितने कैट्स हैं? 1, 2, 3, 4। देयर आर फोर कैट्स। के देयर आर फोर कैट्स। ओके, इट इज़ योर क्लास वर्क। नाउ इट इज़ योर होमवर्क। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पे डे मेंशन करना है और यहाँ पे पिक्चर है, नेम द नाउन इन द पिक्चर। नाउन के नाउन लिखने हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, जो भी नाउन है वो लिखना है। व्हाट इज़ द एलिफेंट डूइंग? एलिफेंट क्या कर रहा है? हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर? यहाँ पर कितने एलिफेंट्स हैं? डिस्क्राइब द पिक्चर, पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। वेयर इज़ द एलिफेंट? एलिफेंट कहाँ है ये लिखना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।